नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाया हूँ, जिसे आप अपने बचे हुए ऊन का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद आसान है और बहुत खूबसूरत। इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, लेडीज प्रोजेक्ट में डालिए, इसे आप फुल स्वेटर बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाफ स्वेटर में भी अच्छा लगेगा, फुल स्वेटर में ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे और एक भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लगते हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी डिज़ाइन मैं डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने मेन कलर से ही पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। तो अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे। पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर दो फंदों को हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट दो फंदों को उल्टा, फिर दो फंदों को स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो को स्लिप करना है और दो को उल्टा बुनना है। दो फंदे को स्लिप किया, ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डाल के स्लिप करना है और दो फंदों को उल्टा बुनना है। स्लिप किया, दो को उल्टा बुन लिया। लास्ट में 3 फंदे हैं, तो दो को स्लिप किया, लास्ट फंदे को उल्टा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो तीसरे लाइन में जिस फंदे को हमने बुना है उसे सीधा बुन लेंगे और जिस फंदे को स्लिप किया है उसे स्लिप कर लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इसी 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो को स्लिप करना है और दो को सीधा बुनना है। दो को स्लिप करना है और दो को सीधा बुनना है। तो इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो दो को स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और अपने मेन कलर से फिर हम सभी फंदों को, बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये हमारा चौथा लाइन है। चौथे लाइन में सभी फंदों को उल्टा। पांचवी लाइन और सामने से। अब यहाँ पे हम अपना थर्ड कलर अटैच कर लेंगे और थर्ड कलर के ऊन से हम 3 फंदे को सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर दो फंदा हम स्लिप करेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। दो फंदे को सीधा बुनना है और दो फंदे को स्लिप करना है। दो फंदे को सीधा, दो फंदे को स्लिप करना है। इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में देखिए 3 फंदे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह यह हमारा 5वां लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और रॉन्ग साइड में बुने हुए फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। डिज़ाइन
जितना बुनने में आसान है, देखने में उतना ही खूबसूरत। आप इसे अपने प्रोजेक्ट में बनाइए और देखिए कितना उभर के आता है, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, 6 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं 6 लाइनों को दोहराते से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।